हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। यहाँ पर इस वीडियो में टीवीएस राइडर सुपर स्क्वाड एडिशन के बारे में आपको डिटेल जानकारी देने वाले हैं। लेकिन वही अगर आप टीवीएस कंपनी की कोई भी बाइक खरीदने के लिए सोच रहे होंगे तो आप अंबे ऑटोमोबाइल्स टीवीएस शोरूम पे आप विजिट कर सकते हैं। और ये जो एड्रेस है वो आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही होगी, वेस्ट बाईपास नियर पोस्ट ऑफिस रुद्रपुर देवरिया उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते होंगे, तो वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट डिटेल भी आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप फोन करके ऑफर्स का जानकारी भी ले सकते हैं। बाकी आइए बात करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले इसका फ्रंट से लुक देख सकते हैं, ये सुपर स्क्वाड एडिशन है। यहाँ पे आपको दो का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे आपको एक आयरन मैन और दूसरा आपको ब्लैक पैंथर का आपको दो कलर ऑप्शन थीम देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले इसका फ्रंट से लुक देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाता है हेडलैम्प के साथ। यहाँ पे आपको डीआरएस मिल जाता है, आपको हेडलैम्प दिखा देते हैं। कुछ ऐसे आपको डीआरएस देखने को मिल जाती है, तो कुछ इस तरह का फ्रंट से लुक आता है। बाकी यहाँ पे आप साइड से भी इसका लुक चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको आयरन मैन की यहाँ पे ग्राफिक्स मिल जाती है, सुपर स्क्वाड यहाँ पे एडिशन यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे साइड में आप देखेंगे तो 63 की यहाँ पे बैजिंग मिल जाती है, राइडर लिखा हुआ है। और साइड में भी आपको आयरन मैन की यहाँ पे एक स्टिकर मिल जाती है। बाकी इसका रियर से भी एक बार लुक यहाँ देख सकते हैं, कुछ ऐसा लुक आता है। इधर से भी इसका लुक देख सकते हैं। बाकी इसके इंजन स्पेक्स की अगर बात करें तो इसमें आपको मिल जाता है 124.8 सीसी का एयर कूल्ड 3-वॉल्व इंजन मिल जाता है, जो कि लगभग 11.38 पीएस का पावर और 11.2 एनएम का टॉर्क जनरेट करती है। 5 पीस विद गियर बॉक्स के साथ मिल जाता है, यहाँ पे इसका गियर बॉक्स देख सकते हैं। बाकी सस्पेंशन सेटअप की अगर बात करिए तो इसके फ्रंट में यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाएगा। वहीं रियर के साइड अगर आप देखते हैं, यहाँ पे आप इसका रियर सस्पेंशन देख सकते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाता है मोनोशॉक 5 स्टेप एडजस्टेबल आपको मिल जाएगा। यहाँ पे सस्पेंशन साइज आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देख सकते हैं। वहीं इसके टायर साइज की बात करें तो यहाँ पे फ्रंट में टायर साइज इसकी यहाँ पे इसके टायर साइज आप देख सकते हैं 80x100 का आपको 17 इंच के ट्यूबलेस टायर मिल जाती है। वहीं रियर की साइड आपको थोड़ा सा चौड़ा टायर मिल जाएगा, तो रियर का जो टायर साइज है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 100x90 का 17 इंच के, ये भी आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाती है। तो रियर से थोड़ा सा चौड़ा टायर होने की वजह से आपको काफ़ी अच्छा ये लुक देती है। और ये आपको ये स्क्वायर्ड एडिशन आपको डिस्क ब्रेक वायरिंग के साथ मिल जाएगी, जहाँ पे आपको 240mm का फ्रंट में डिस्क मिल जाता है। वही रियर के साइड 130mm का ड्रम ब्रेक लगा हुआ है। इसके अलावा अगर आप ड्रम ब्रेक वेरिएंट में चाहते हैं तो इसका आपको बेस मॉडल मिलेगा। फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको एलईडी हेडलैम्प मिल जाता है, मैंने आपको डीआरएस जला के दिखा भी दिया है। और इसके अलावा मीटर कंसोल की बात करें तो इस एडिशन में आपको एलसीडी डिस्प्ले मिल जाता है, यहाँ पे मीटर कंसोल देख सकते हैं। ऐसे रिवर्स डिस्प्ले मिल जाता है जो कि एलसीडी है, और यहाँ पे आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पे आपको यहाँ पे गियर पोस्ट इंडिकेटर है, यहाँ पे आपको क्लॉक मिल जाता है, स्पीड मिल जाता है, ऑडोमीटर, और यहाँ पे आपको ट्रिप मिल जाएगा, आरपीएम यहाँ पे मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको दो बटन्स मिल जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं मोड और सेट का आपको मिल जाता है ऑप्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रिप है, यहाँ पे रेंज आपको दिख जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे एवरेज माइलेज भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे देखेंगे ट्रिप है, और एक बार और दबाते हैं, यहाँ पे आपको ट्रिप भी देखने को मिल जाती है। तो कुछ इस तरीके का आपको एलसीडी डिस्प्ले मिल जाएगा। बाकी इसमें मोबाइल चार्जिंग की भी सुविधा दी गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टैंक के ऊपर आपको यहाँ पे यूएसबी चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, जहाँ से आप स्मार्टफोन को अपने चार्ज कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ पे दो मोड्स मिल जाते हैं, जो कि पावर मोड और इको मोड मिल जाता है। इसमें आपको यहाँ पे इंजन की स्विच देखने को नहीं मिलेगा, बाकी यहाँ पे सेल्फ दिया गया है। और इधर आपको हेडलैम्प हाई बीम लो बीम मिल जाता है, बाकी यहाँ पे पासिंग स्विच भी दिया गया है। और यहाँ पे आपको हॉर्न मिल जाएगा, हॉर्न एक बार आप सुन सकते हैं, तो काफ़ी लाउड आपको हॉर्न भी सुनने को मिल जाती है। बाकी अगर सीट की बात करें तो यहाँ पे आपको स्पीड सीट मिल जाती है इस वेरिएंट में, यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी कुशनिंग वाली सीट मिल जाती है, स्प्लिट सीट है, तो आराम से इसमें बैठा जा सकता है। बाकी पीछे की साइड आपको जो ग्रेवेल मिलता है वो आपको बिना स्प्लिट मिलता है, यानी कि सिंगल यहाँ पे ग्रेवेल दिया गया है। बाकी इसका हेडलैम्प लुक भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको स्प्लिट डिजाइनिंग की जैसी हेडलैम्प मिलती है वैसे यहाँ पे आपको हेडलैम्प डिजाइनिंग भी देखने को मिल जाएगी। बाकी एग्जॉस्ट सिस्टम आपने यहाँ पे सुन लिया होगा, अभी मैंने आपको एग्जॉस्ट सिस्टम भी सुना दिया था। दूसरे साइड अगर आप देखते हैं यहाँ पे आपको मिल जाता है ब्रेक्स,
और यहाँ पे जो फुट पैक्स दी गई है वो भी आपको काफी अच्छी क्वालिटी के साथ मिल जाती है, जो कि एल्युमिनियम की दी गई है। वही मालिश की बात करें जिसमें आपको आराम से 55 टू 60 एमपीएल तक मालिश मिल जाती है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी यहाँ पे 10 लीटर दी गई है। बाकी जो इसकी डायमेंशन है वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप डायमेंशन देख सकते हैं। वहीं इसके ओवरऑल प्राइसिंग की अगर बात करें तो अगर आप उत्तर प्रदेश रुद्रपुर अगर यहाँ से शोरूम से लेते हैं तो इसकी जो एक्सरूम प्राइस है 98,611 यानी कि 98,611 रुपये तक है। बाकी जो इसकी ऑन रोड प्राइस है वो 1,16,560 यानी कि 1,16,560 रुपये तक है। और ये इस शोरूम का प्राइस है यानी कि उत्तर प्रदेश में आपको इस प्राइस रेंज में मिल जाएगा। बाकी आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर जो प्राइसिंग है वो 500 से 1,000 रुपये तक कम या ज़्यादा होती रहती है। तो आप अपने नज़दीकी शोरूम पे भी पता कर सकते हैं प्राइस। बाकी इस प्राइस रेंज में आपको TVS Raider का ये सुपर स्क्वाड एडिशन मिल जाएगा जो कि लेटेस्ट मॉडल है। तो यहाँ पे इस वीडियो में TVS Raider सुपर स्क्वाड एडिशन के बारे में मैंने आपको सारी जानकारी दे दिया। फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन हुआ तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।